सच है कि दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है। दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। उस बात को जाने भी दो जिसका निशान कल हो ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। और आज जो मैंने लाइंस गाई हैं वो उन लोगों के लिए गाई हैं जो लोग मेरे चैनल से एग्जिट हो गए हैं या जिनके चैनल से मैं एग्जिट हो गई हूँ और जिनके चैनल पर मैं लगातार आ रही हूँ, कॉमेंट कर रही हूँ, तो हमारा जो है रिलेशनशिप बरकरार है। दोस्तों, तो आज बिल्कुल भी चैनल के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा उत्कर्ष के बारे में है, सो कोई उत्कर्ष को चिढ़ाएगा नहीं। तो हुआ ये कि उत्कर्ष जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार के ना इधर से उधर डोल रहे थे। मैंने इनको 2-3 बार बोला, बेटा ऐसे मत रहो, सुबह ठंडी हवा होती है, आपको नुकसान कर जाएगी, आपको बहुत जल्दी फीवर आ जाएगा, आपको डॉक्टर ने बोला है ठंडे से बचना है, पर ये बात नहीं मान रहा था। तो मैंने कस के एक लगा दिया इसे और मैं इसका लंच बॉक्स बना रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने इतनी ज़ोर से मारा कि इसके ना गाल पे मेरी 5 उंगलियां छप गई और ये स्कूल गया, वहाँ से लौट आया, फिर भी इसके ना गाल पे निशान यहाँ पे बना रहा। तो ठीक है, वो बात आई गई होगी। इसे पीटने के बाद मेरा भी मन तो लग नहीं रहा था, ये स्कूल चला गया, वहाँ दोस्तों में घुल मिल गया, सब हो गया सारा सब। लेकिन मुझे ना इसको डांटने मारने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है, हर माँ को लगता है दोस्तों। तो बात आई गई होगी। फिर आने के बाद मैंने इसे बहुत पैम्पर किया और कुछ कुछ हम लोग कुछ व्लॉग ये भी मेरे साथ देखता है, कुछ लोगों के इसको बहुत पसंद आते हैं। तो साथ में ना सजेशन में जो वीडियोस आती हैं उसमें ना राशिफल आ रहे थे, तो मैंने अपने राशिफल पे क्लिक कर दिया। उस राशिफल के शुरू के 1-2 लाइन के बाद सबसे पहला सेंटेंस था कि आप अपने बच्चे को डांटिएगा मारिएगा नहीं इस महीने में। और उत्कर्ष सुन रहा था मेरे साथ और इतना खुश कि मम्मा देखो आपके राशिफल में लिखा है कि आप मुझे बिल्कुल भी डांटिएगा नहीं मारिएगा नहीं, मम्मा आपके राशिफल में आया है। तो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें शैतानी करते थोड़ी ना छोड़ दूंगी। खैर वो बात तो हंसी मजाक के हम लोगों की हो गई, बात आई गई हो गई। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप कोई भी प्रिडिक्शन पहले से पता कर लेते हैं ना तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठ जाती है। जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि कुछ चीजों के बारे में मैं जिज्ञासु हूँ, जानती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ ना, तो फिर मेरे अंदर एक लाइन खिंच जाती है कि अच्छा इस महीने तो ये होने ही वाला है, इस महीने तो ऐसा होने ही वाला है। कभी कभी राशिफल में आ जाता है कि इस महीने आपके बहुत ज्यादा व्यय होगा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो भले ऐसे मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, धन खर्च ना हो, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि इस महीने तो खर्च करना है, इस महीने तो मेरे राशि में लिखा है कि खर्च होने वाला है, तो मैं ऐवे ही पैसे उड़ा देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ना हानिकारक होती हैं। कभी कभी मैं कहीं मुझे मालूम होता है कि आग से जलना, चोट चपेट, ये कुछ लिखा रहता है, ये आप लोग भी जानते होंगे जो लोग राशिफल वगैरह न्यूज़पेपर में भी देखते हैं या अपने मोबाइल में भी आजकल आने लग गया है। तो वो चीज़ें होती हैं और मेरे साथ तो 101% होती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उससे कितना प्रभावित होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये हो जाता है कि अगर मुझे पहले से कोई चीज़ पता हो ना कि ये होने वाली है तो वो नहीं भी हो रही होती है तो मेरे साथ वो घटित मैं खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही मुझे लगता है कि अरे मेरे तो राशि में लिखा था ना आज जलना, देखो मैं तवे से जल गई, देखो मैं कढ़ाई से जल गई। तो ये चीज़ें ना मतलब मेरे साथ तो बहुत होती हैं। सो यही एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ और मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मम्मियाँ हैं जो अपने बच्चे को बिल्कुल भी डांटना मारना नहीं चाहती हैं, लेकिन मजबूरी में इनकी भलाई के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। और कई बच्चे डांट से डरते हैं और मुझे लगता है ना बेफालतू चिल्लाने की बजाय एक लगा दो, तो मैं लगा देती हूँ। मैं इसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हूँ और ये बहुत बात मानता है, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि खिलवाड़ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है ये मेरे बर्तन वगैरह लगाने में बहुत मदद कर देता है, कपड़े वगैरह तह फोल्ड करके अलमीरा में जमा देता है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। अपनी चीज़ें जो फैला के खेलता है, मैं सोने से पहले कहती हूँ बेड क्लीन होना चाहिए, तो ये फटाफट सब चीज़ें अरेंज करके फिर अपने सो जाता है। तो इतना ही मेरे लिए शायद हेल्प बहुत है बच्चे की, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मम्मी हूँ स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है।
मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मम्मा शेयर करती है तो ये भी शेयर कर दिया। आपको कुछ बोलना है? हाँ। बोलना है? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। खत्म। मैम ने सिखा है? हाँ। बहुत अच्छा था, बहुत लंबा था और बहुत जोर से भी था, है ना दोस्तों? बहुत जोर से इसने चिल्लाया मेरे कान पे, हार नहीं होती, बेकार नहीं होती, मुट्ठी खाली नहीं होती। चलो छोड़ो। तो दोस्तों आज जो है मैं सोच रही हूँ कि कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपनी स्टाइल में बनाती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, बहुत कम मसालों में खाना बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी होता है। क्योंकि हम लोग टाइफाइड के मरीज रहे हैं तो हमें ज़्यादा तेल मसाले का खाना अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें अलाउड नहीं है। तो मैं बस घर के लोगों के सेहत के हिसाब से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ और वो यम्मी यम्मी हो जाता है, तभी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हो जाए कुछ चटरपटर, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। बातों के साथ, इसी रेसिपी के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मेरी बताई रेसिपी में आप इंग्रेडिएंट्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं, चीजें अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है दोस्तों। मैंने जो बनाया जो खाया आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। कहीं कोई कमी है आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसको सुधारूंगी। कुछ ऐड करना है, कुछ भी पूछना है, आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं सभी चीज़ों का रिप्लाई भी करती हूँ और मैं ध्यान भी देती हूँ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.